गाजीपुर जनपद में जनता के लिए जीवनदाता बने संजय राय श्रीपुरिया ने कोरोना महामारी के भयावह समय में अपने वतन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। उन सबके लिए जो लकड़ियों के अभाव में लोग गंगा में जल प्रवाह कर देते थे और उससे फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए संजय रायपुरिया ने गाजीपुर के शमशान घाट पर लकड़ी बैंक की स्थापना की है। जी हाँ, और यहाँ पर लकड़ी बैंक की स्थापना के साथ साथ जो गरीब तबके लोग हैं उन्हें यहाँ अपने परिजनों के शव को जलाने के लिए यहाँ लकड़ी फ्री में दी जाएगी ताकि वह उन गरीबों को दी जाएगी ताकि वह अंतिम संस्कार कर सके। संजय नासिर पुरिया ने कहा कि इस लकड़ी बैंक के शुरू होने की वजह से ज्यादातर गरीब और निस्सहाय लोगों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। लवारिस लाशों को विदा करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और माँ गंगा में खेल रहा गंदगी जहरीला प्रदूषण भी बंद हो जाएगा, माँ गंगा की पवित्रता भी बनी रहेगी। उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि बहुत ही जल्द जनता के लिए ट्रामा सेंटर के अंडर लाइफ सेविंग हॉस्पिटल भी शुरू होगा और ऑक्सीजन की सभी सुविधाएं सुसज्जित होंगी। इस कार्य के लिए लकड़ियों का शमशान घाट पर इकट्ठा करना और इन्हें जो डोम्स नेल आर्ट सही कहा जाता है उन्हें कमलेश आदि को सौंप दिया था कि वह गरीब जो आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस मौके पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को भी आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में गाजीपुर तहसीलदार को उन्होंने भेजा और उन्होंने भी यहां पर इस कार्य में भाग लिया। ये काम जन भागीदारी से जन कल्याण का है, जो भी सहभागी बन सकते हैं बने आकर के जिला के लोग और भारत के अन्य लोग भी सीखे कि किस तरीके से हिंदू संस्कृति का जो अंतिम हुआ 16 संस्कार होता है उसमें लकड़ी का क्या महत्व है। और गाजीपुर ज़िले में लकड़ियों की आपाधापी चल रही थी, बहुत सारे लोग अपने मनमानी भाव से लकड़ी बेच रहे थे। हमने प्रशासन के संज्ञान में डाला, प्रशासन ने भी एक्शन लिया, उसका रेट तय कर दिया। साथ साथ में हमने यहाँ पर वीरेंद्र से मिले, कमलेश जी से मिले और हमने ये कहा कि एक लकड़ी बैंक बनाया जाए, जिसको मेरे स्वागत को मेरी विचार को इन्होंने स्वागत किया और 24 घंटे के अंदर हमने चर्चा करने के बाद यहाँ पर लकड़ी बैंक की व्यवस्था कर दी गई है। साथ साथ में जो गरीब लोग हैं जो यहाँ पे अपना कोई भी खर्च नहीं उठा सकते हैं उनको भी निःशुल्क है। जो डोम राजा की परंपरागत दायित्व तो होता है वो भी निभाया जाएगा, उसके लिए भी हमने इनके फाउंडेशन में कुछ अर्थ की भी व्यवस्था कर दी है, लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे अपील शुरू की गाजीपुर के जनता से, मेरे पास आज की तारीख में 3600 मन लकड़ी, सुन लीजिए 3600 मन लकड़ी का लिस्ट बन गया है जो फ्री में लोग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ के लोगों में जन भागीदारी की भावना है लेकिन उनको सुसुप्त अवस्था से जगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कहूँगा, जो लोग माँ गंगा के अंदर अर्थी को प्रवाह कर देते हैं वो ना करें और प्रशासन को मदद करें, वैकुंठ धाम को स्वच्छ रखने में मदद करें, माँ गंगा को स्वच्छ रखने में मदद करें। आपके लिए लकड़ी बैंक आज से पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से सुचारू रूप से शुरू हो गया। संजय जी, सवाल है कि ये उठता है कि शमशान घाट पे चूंकि लकड़ियाँ बैंक बनाने की क्या वजह पड़ी, कैसे आपको ये महसूस हुआ कि ये बनाना पड़ेगा? पिछले 3 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं, हर जगह आप लोग पत्रकार महोदय सपोर्ट करते हैं, आपने देखा टेलीमेडिसिन वैन हो या एम्बुलेंस हो या दवाई देने की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो मुझे लगा कि हम जब कार्य कर रहे हैं और हम जनता को जागरूक कर सकते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। उसी से लकड़ी बैंक का आया, क्योंकि यहाँ पे हम जब हैं तो रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि गंगा माँ में लाशें बह रही है और उसको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तो ये विचार मन में आया कि हम सब मिलकर के, मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर के ये पुण्य का काम हमें करना चाहिए जिससे कि समाज में सही दिशा जाए और मोक्ष आत्मा को शांति मिले। संजय जी, सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि आम जनता अगर यहाँ डेड बॉडियाँ आपने लेके आती है और दाह संस्कार के लिए, तो लकड़ी के लिए संपर्क किससे किया जाए, कैसे संपर्क होता है, ये भी आम जनता? देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और संत सुपन भगत फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ गया है, वीरेंद्र हमारे साथ है जो गाजीपुर का लाल है, इस धरती का ये जाना माना चेहरा है, जान पहचान वाला लोग, हर लोग प्रशासन के लोग जानते हैं, इनको संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड पे जो हम प्रचार का माध्यम रखे हैं उनका फ़ोन नंबर रखा गया है, उसके साथ साथ टोल फ्री नंबर दिया गया है और कल से एक वॉर रूम भी शुरू हो जाएगा जहाँ पे कोई भी आदमी संपर्क करेगा, अगर वो सक्षम नहीं है गाड़ी का भाड़ा यहाँ तक भरने के लिए, तो उसके शव को हम उठा के यहाँ लाएंगे, सौदा करेंगे।